275 करोड़ की भारत के लिए सलमान ने ली इतनी फीस। सलमान खान की फिल्म भारत 5 जून को रिलीज होने वाली है। यह वर्ष 2019 की बड़ी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड इस फिल्म को आशा भरी निगाह से देख रहा है। ईद पर सलमान की अधिकांश फिल्में सफल रही है, हालांकि पिछली दो ईद सलमान के लिए खास सफलता लेकर नहीं आई। ट्यूबलाइट और रेस 3 का बॉक्स ऑफिस परिणाम अपेक्षाओं से कम रहा। अतुल अग्निहोत्री द्वारा निर्मित भारत एक महंगी फिल्म है। 125 करोड़ रुपए इसे बनाने में लगे हैं। 25 करोड़ प्रचार और प्रिंट्स पर खर्च हुए। 125 करोड़ रुपए सलमान खान की फीस है। इस तरह से कुल 275 करोड़ रुपए में यह फिल्म तैयार हुई है। रिलीज के पहले खासी वसूली भी हुई है। सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स के बदले में 125 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। 55 करोड़ म्यूजिक और ओवर सीरीज राइट्स के बदले में मिले हैं। फिल्म को भारत में थिएटर से लगभग 190 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा, तब फिल्म सुरक्षित हो जाएगी। जहां तक हिट होने का सवाल है, तो 230 से 250 करोड़ रुपए के कलेक्शन पर यह फिल्म हिट मानी जाएगी। सलमान का जो स्टारडम है उसे देखते हुए ये कठिन बात नहीं है। हालांकि फिल्म का प्रोमो और गाने अब तक दर्शकों में उत्सुकता नहीं जगा पाए हैं, बावजूद इसके यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत ले सकती है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित भारत में सलमान खान, कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर मुख्य भूमिका में हैं। वरुण धवन भी छोटे से रोल में नजर आएंगे।